गाइज इट्स अ सेकेंड डे इन उज्जैन एंड अभी मैं अपने रूम में हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं कुछ खाने जाऊंगी, नाश्ता वगैरह जाएंगे और आज का प्लान है हमारा ओंकारेश्वर जाने का। तो वहाँ पर रास्ते में शायद 3-4 मंदिर पड़ते हैं, वो सारे देखते हुए जाएंगे और मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी सब कुछ। ओके, जो रूम है बहुत ही वायाद दिखता, बहुत गंदा है। मतलब नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने पैसे देने के बाद इतना बकवास रूम मिलेगा, बट ये है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इस वजह से इन लोगों का ना ऐसे ही है, सारे रूम्स ऐसे ही थे तो एडजस्ट करना पड़ रहा है हमें। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता लेने। नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं ओंकारेश्वर के लिए एंड रास्ते में ना बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ मिलते हैं, बहुत अमेजिंग सुंदर सुंदर। एंड पता है हमने क्या करा था कि हम लोग क्योंकि ऑफिस की तरफ से जा रहे थे तो पूरा बहुत सारे 7 लोग 7 लोग हो गए थे, तो हम मेरी फैमिली और एक और फैमिली हम लोगों ने अर्टिगा बुक कर ली थी, उससे अच्छे से चले गए एंड काफी अच्छा लगा हमें। उज्जैन से ओंकारेश्वर के लिए हमें 3000 की एक कैब बुक करी थी जिस पर 7 पर, तो काफी सही रहा सबके लिए। एंड रास्ते भी आप देख रहे हो पहाड़ वहाड़ काफी मिले थे इन जनरल। एंड काफी मौसम ना उस दिन ठीक ठाक हो रहा था, ना गर्मी थी ना सर्दी, ऐसा वाला मौसम था। जैसे हम ओंकारेश्वर पहुंचते हैं, ठीक है, वहाँ पे ओंकारेश्वर एक आइलैंड पे है सिचुएटेड, तो हम लोग पहुंच जाते हैं ना तो वहाँ पे पहले हमें जो ये रिवर है इसको पार करके जाना होता है और बोट से जाना होता है, तो उसके लिए हम लोग ये घाट पे जाते हैं। यहाँ घाट पे जाने के बाद हम अपनी एक बोट बुक करते हैं, मैं मेरी फैमिली एंड जो हमारे एक और अंकल है उनकी फैमिली, तो दोनों फैमिली बैठ के हम लोग चले जाते हैं। सबसे अच्छा वाला पार्ट मुझे यही लगा क्योंकि ये घाट पे है ये पूरा ओंकारेश्वर, इसलिए हम लोगों ने ना बोटिंग कर ली एंड काफी इंजॉय करा, काफी अच्छा मोमेंट था। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में ही ना बोट में बारिश पड़ने लग गई थी, काफी प्यारा मौसम हो गया था, लिटरली बहुत प्यारा हो गया था एंड अच्छा अच्छा लग रहा था। जाने के बाद वहाँ पे ना इतनी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़, आप लोग देख ही पा रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ है। एंड वहाँ पे पहुंच गए ना हम लोग बहुत ज्यादा, कम से कम 3 से 4 घंटे हमें वहीं पे लग गए थे इस ओंकारेश्वर में। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने दर्शन करे, दर्शन करके हम वापस आने लग गए। एंड इसके बाद ओंकारेश्वर से निकलते ही एक और मंदिर पड़ता है जिसे ममलेश्वर मंदिर कहते हैं एंड काफी प्यारा मंदिर है वो। ओंकारेश्वर का ना व्यू आप लोग देख रहे हो कितना अमेजिंग है एंड ये मंदिर है ममलेश्वर मंदिर जो कि जस्ट पास में ही है ओंकारेश्वर की। आप ना दोनों जगह दर्शन कर सकते हो, काफी प्यारा है। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय एंड टेक केयर।